आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव ढक्का नगलिया पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 27 किलोमीटर है। 1500 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती बबीता पाल ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान बबीता पाल और सचिव अतर सिंह के सहयोग से स्कूल के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के ढक्का नगलिया ग्राम पंचायत में। यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहाँ लोगों को जो है सहयोग दिया गया है इस कोरोना महामारी के चलते, और क्या कोशिशें इनकी आगे समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में हम यहाँ प्रधान जी से जानकारी लेकर आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं प्रधानपति से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो 5 साल का कार्यकाल है लगभग समाप्ति की ओर है, अब तक के बीते हुए समय में क्या क्या विकास कार्य गाँव में करवाए हैं? देखिए, विकास कार्य सारे जो पहले रोड थे हमारे गांव की, जो सड़कें थी, जो रोड थे, वो सारे ख़राब थे। आप किधर भी रास्ते में किधर कई सारे रास्ते यानी पड़ते हैं गांव के अंदर, सारे रास्ते खराब थे, सब में गारा था। गांव से बाहर जाने के लिए जो यानी हमने जो नाला बनाया था वो गांव के बाहर यानी हमने यानी रोड तक पहुँचाया वो नाला। पहले हाथ तो हमने नाला रोड तक पहुँचाया, गाँव में पानी की निकासी नहीं थी बिल्कुल भी। जल भराव की बहुत दिक्कत थी, जिधर को भी जाते थे गारे ही गारा होता। आज पिछले प्रधान ने यानी पुराने पूर्व प्रधान ने 5 साल में उसने कुछ भी नहीं कराया। अब इस समय मेरे यहाँ 5 साल से लेकर मेरे किसी भी रास्ते में कोई किसी भी यानी 4 गांव लगते हैं मेरे यहाँ, किसी भी गांव में चले जाइए आपको कहीं भी पहली बार तो पैर नहीं। जितने भी आपकी पंचायत में गाँव लगते हैं तो लगभग आप ये कह सकते हैं हम कि सभी गाँव की जरूरत हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे यहाँ तो साहब जिधर को भी आप जाओगे मैंने सब तरफ सड़कें, सब तरफ तुम्हारे की RCC, सब तरफ टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने लगवा दी। आवास मिले यहाँ लोगों को? ये आवास आपके जब आई नहीं तो आवास मिलते बात जी। कोई जो सन 2000 यानी जो गलन थी वो अब फिट हो गए हैं, वो अगली बार आएंगे, इस बार आपके नहीं आए। तो कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवास? सर यहाँ पे परिवार करीब 30 या 40 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास की जरूरत है। चारों गांव में 40-50 यानी 30-40 के करीब आवश्यकता है जिन लोगों के पास यानी रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चली जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों के लिए जो सम्मान निधि का पैसा सरकार की तरफ से आ रहा था, तो आपकी ग्राम पंचायत में सभी आसपास के गाँव को लगा करके भी जो आपकी पंचायत में लगते हैं उनमें भी कितने परसेंट लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ जो है मिल पा रहा है? देखिए मेरे हिसाब से तो जो यानी जो गैस दिक्कत खत्म हो गई, बिजली के कनेक्शन की दिक्कत थी वो चीज़ खत्म हो गई, मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही हो गया, सबको मिला। जी हाँ, और जी हमारे यहाँ ये स्कूलों में जो भी काम चल रहे थे स्कूलों की मरम्मत हो गई, स्कूलों में तुम्हारी आंगनबाड़ी यानी ध्वस्त हुई पड़ी थी वो सही हो गई, जो सरकारी अस्पताल था वो भी सही हो गया, जो तुम्हारी की गंदगी थी गांव के अंदर जो तुम्हारी की वो पड़ते थे यानी धूल पड़ते थे वो भी खत्म कर दिए। बाकी कोई सफाई कर्मचारी जो है यहाँ नियमित आते हैं? जी हाँ, नियमित आते हैं, 4 गाँव में नंबरबाड़ी से एक एक दिन में जो आता है। जी, स्कूलों में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम कर रहा है? देखिए स्कूलों में हमने टैक्स लगवाई है, स्कूलों की मरम्मत कराई है, और जो तुम्हारे की जो सरकारी नल है उसमें सबर सेविंग कराया है, हमने सबर सेविंग करवाया है, टैंक लगवाए हैं, सारी शौचालय बनवाए हैं स्कूलों में, सारी चीज़ें जो बढ़िया कराई है। अभी आपने बताया सरकारी अस्पताल की यहाँ पर मरम्मत करवाई गई है, सही करवाया गया है, हाँ। तो जो सरकारी अस्पताल यहाँ है उसमें डॉक्टर बैठते हैं? सर कभी कभी बैठते हैं, अगर कही जैसे महीने में तुम्हारे की महीने में 15 दिन में इस तरह से जो है तुम्हारे की आते हैं 8 दिन में। तो ऐसा कह सकते हैं कि गांव वालों को अगर कोई दिक्कत होती है छोटी मोटी बीमारी में उन लोगों को वहां से लाभ मिल पाता है, दवाइयां वगैरह मिल जाती है? नहीं देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, इसके बारे में मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं, बहरहाल बैठती है डॉक्टर ना मुझे पता। तो यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? सर नहीं, बनना बारात घर है ना पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी ध्वस्त होया पड़ा था, वो भी मैंने सही कहा, अपने कार्यकाल में मैंने सही कहा। खेल का मैदान है? जी खेल का मैदान है। कब्रिस्तान, शमशान घाट वगैरह बने हुए हैं?
कब्रिस्तान सुल्तान घाट है, मगर हमारे यहाँ जो है बाउंड्री नहीं है, मतलब अभी बने नहीं जी। अब अपने हमारे हमारा जो कब्रिस्तान है हिंदू लोगों का वो बनवा दिया जी। तो अब अपने गांव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या लगता है आपको, किस तरह की प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहिए? क्या मांग, हम तो यही चाहेंगे कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसा आ गया ग्राम निधि से और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने, हम तो यही चाहते हैं और यही हमने कराया जी। अब जैसे कि कोरोना महामारी बढ़ रही है, पीछे लॉकडाउन रहा है पूरी तरह से, 70 दिन का लॉकडाउन पूरा संपूर्ण देश में रहा था, तो आपके गाँव में भी कई परिवार ऐसे होंगे जिनकी अभी कई तरह की समस्याएं खड़ी होंगी, तो उस समय में आपकी क्या भूमिका रही गवर्नमेंट? देखिए मेरी तरफ से पूरी पूरी सुविधा रही है। दूसरी बात ये, हमारी सरकार 15 दिन में नाश दे रही है, हर गरीब को नाश दे रही है खाने के लिए, तो और क्या चाहिए, 15 दिन में राज यानी नाज मिल गया है सरकार की तरफ से, तो और क्या चाहिए। तो कुछ परिवार यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए किस तरह की सुविधा की गई? ऐसा है जिनके राशन कार्ड नहीं है उन्हें हमने जो है राशन दिलवाया अपनी तरफ से, आपने उनकी जो मदद की है जी। आप अपने गाँव वासियों को कुछ जागरूकता संदेश देना चाहेंगे इसी को लेकर के, जैसे कि अनलॉक हो चुका है, लोग अपनी जो रेगुलर रूटीन की उनकी गतिविधियाँ होती हैं धीरे धीरे उनमें वापस आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सब अपने अपने काम पे यानी काम खुल गया है, यानी ये कोविड-19 जो है ये यानी जो है ये तुम्हारे की ख़त्म कोरोना का जो है लॉकडाउन जो था वो खत्म हो चुका है, लेकिन महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। महामारी खत्म नहीं हुई है, तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारे की आदमी अपने जो है हिसाब से यानी रहना चाहिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए जी। फोन नंबर एक छोटा नंबर की सुविधा मिल जाएगी, कॉल करने के बाद में तुरंत आ जाएगी जी। यहाँ जैसे किसानों को कई समस्याएं कई तरह की आई हैं, अभी पीछे खाद को लेकर भी आई है या और अभी भी कई समस्याएं हैं, इसमें आपने कोई मतलब जो है मदद की है किसानों की, है किसी तरह से उनका सहयोग किया है? हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सभी मतलब कोई तरह की परेशानी गाँव में नहीं है। ये कहा जा सकता है कि आपका गाँव पूरी तरह से जो है एकदम मतलब किसानों को लेकर के या गरीबों को लेकर के किसी भी तरह की समस्या यहाँ पर नहीं रहती जी। आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों को, कुछ संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इस बीते कार्यकाल में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टैस कार्य, सड़क निर्माण, जिससे कि ये गांव पूरी तरह से, जबकि इसमें चार अलग अलग छोटे छोटे गांव भी लगते हैं, उसके साथ ही यहाँ ये गांव पूरी तरह से कीचड़ मुक्त करवा दिया गया है। साथ ही एक जो सबसे बड़ा सराहनीय कार्य किया है वो यहाँ नाला निर्माण को लेकर है। अब से पहले यहाँ जल भराव की समस्या काफ़ी हद तक लोगों को रहती थी, जिसमें इस जो कार्यकाल में ग्राम प्रधान द्वारा ये कार्य किया गया है नाले निर्माण का। इसके अलावा स्कूल में भी कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यकरण कराया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं, जैसे बारात घर, पंचायत घर जो कि यहाँ निर्मित नहीं है। इसके अलावा यहाँ ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि सरकार और ज़्यादा धनराशि इस गांव में मुहैया कराती है, धनराशि की तरफ से यहाँ ज़्यादा मदद मिलती है, तो इस गांव को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अभी भी लगभग 30 से 40 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है, जिनके लिए ग्राम प्रधान ने यहाँ मांग रखी है। अशरफ अली के साथ नाजरीन सूर्य जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह जी। कहाँ के निवासी हो? जी मैं ढक्का नगरिया का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ से ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है जी, तो इसमें विकास को लेकर क्या करना चाहोगे? सर विकास के लिए, विकास बहुत अच्छा हुआ है, हर गांव में, हर गली में और हर मोड़ पे विकास करा है सर। बिजली का चाहिए, पानी का चाहिए, हर तरह से विकास हुआ है सर इसमें, और इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। विकास अपनी आंखों से दिखता है, और आप अगर देखना चाहे रास्ता या कोई भी बात तो हम उसे दिखाने को तैयार हैं। आप इनके कार्यकाल से सहमत हो? जी बिल्कुल, मैं इनके कार्यकाल से बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद जी। ताऊ क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह कहाँ रहते हो? नालिया। अच्छा, यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या विकास कराया गया? विकास सही कराया गया। सही कराया, जैसे जैसे कुछ वैसे कोई ऐसी वो ना जिनके इसमें खराबी। इनके कार्यकाल से आप खुश हो? बढ़िया।